शर्म से नजर कोई रात चुराए शर्म से आ ही जाता है जिस पे दिल होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना और कोई नहीं अभी लाइट ये मार रहे हैं सर सर कैमरा पीछे रखेंगे सर लेके हेलो सर मैम थोड़ा सा पीछे थोड़ा लाइट आ रहा है हमारे लिए जाना है अनुषा मैम अनुप जी अनुषा जी का बर्थडे अरे अरे जन्मदिन है और हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक है पहली बार किया है वैलेंटाइन वीक मनाया जा रहा है और उसमें तीन बहुत ही रोमांटिक एल्बम रिलीज किए जा रहे हैं। एक अनुराधा जी का है, एक ललित जी का है और एक आर्यन का है। तीन हमारे देश के बहुत अच्छे टैलेंट्स जिन्होंने गाने में अपना लोहा मनवाया है। तो उन तीनों एल्बम की जो बाकी डिटेल है वो ललित ही बताएंगे, क्योंकि ललित की ही ये म्यूज़िक कंपनी से रिलीज़ हो रहा है। इनकी म्यूज़िक कंपनी है रेड रिबन, जिसमें हमारे भी बहुत एल्बम रिलीज़ हुए हैं। ना जाने कितने आर्टिस्ट इनके यहाँ गा चुके हैं। इनके यहाँ जगजीत सिंह साहब के बहुत एल्बम हैं, हरि प्रसाद चौरसिया जी के हैं, शिव कुमार शर्मा जी के हैं, अरिजीत सिंह के हैं, कोई मतलब जो नाम ले लीजिए, सोनू निगम ले लीजिए, कोई नाम ले लीजिए, सब ने इनके यहाँ गाया है। बल्कि एक गज़ल तो मैंने कंपोज़ की थी अरिजीत सिंह के लिए जो उन्होंने गाई थी और बहुत अच्छी गाई थी। सोनू निगम ने भी बहुत अच्छी गाई थी एक गज़ल। तो मैं चाहूँगा कि ये जो तीन एल्बम रिलीज़ हो रहे हैं वैलेंटाइन डे के दिन, उसके लिए जो विस्तार में बताना है वो ललित जी बताएं। जी मैम कुछ विस्तार में बताइए।
Sure, it's a very special day and special week, Valentine's week. और बहुत सुंदर तीन romantic music videos release हो रहे हैं. First video अनुराधा पौडवाल जी का है. She is out of country, so she is not here with us. But बहुत सुंदर तीनों singers ने act किया है इसमें. एंड जो अनुराधा जी का है वो पिंक पिंक फील वाला है, एवरग्रीन मेलोडी है. अरियान पंडित, वी ऑल नो हिम एज एन एक्टर, बट द सीक्रेट इज रिलीव्ड नाउ बिकॉज ही हैज संग, ही हैज गिवन द कंपोजिशन एंड राइटिंग, दोनों तीनों चीज़ किया है. एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट हिज फर्स्ट सिंगल इज रिलीजिंग टुडे. एंड मेरा एक सिंगल है, ये मुझे क्या हुआ, एंड आई हैव शॉट इन ऋषिकेश मसूरी. एंड माई को एक्टर इज मिस्टर हरिद्वार, एंड ही इज़ बीन रूबरू मिस्टर इंडिया. एंड सो आई वॉन्ट टू विश एवरी वन इन द वर्ल्ड दैट लेट्स स्प्रेड लव, लेट्स बी इन लव, एंड लेट्स एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल लवली रोमांटिक म्यूजिक वीडियोज. वेल, कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं जवाब दूँ. क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस काम करने का, एनर्जी के साथ काम करने? मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है. मैं छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली. मैं सच बताऊँ आप लोगों तो मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ. अरे छोटा पर मुझे पर सर पर नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बट मुझे इंडस्ट्री में काम करते 8 साल हो गए, और हर आर्टिस्ट की तरह मेरे अंदर भी बहुत टाइप के इमोशंस हैं जो अपने काम के थ्रू मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ. तो ये मेरा फर्स्ट सिंगल है जिसमें मैंने सिंगिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, लिखा भी है, और बहुत सारा साइड लोगों को जानने को मिलेगा इस सॉन्ग से, और लोगों को पसंद भी आ रहा है ये सॉन्ग. तो मैं चाहता हूँ कि ये वैलेंटाइन वीक में जितने भी लोग हैं, जितने लोगों का दिल टूटा है, ये उन सारे लोगों तक पहुँचे. ये उन लोगों की आवाज़ बन करके लोगों को कहीं ना कहीं पावर दे कि इट्स ओके टू बी लाइक हार्ट ब्रोकन, बट ज़िंदगी वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उससे कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं. ओके अनुज जी, वैलेंटाइन का जिस तरीके से आपने बताया वीक है, क्या आपके लिए कितना मतलब वैलेंटाइन सुनके क्या दिमाग? मेरे लिए जो है एवरी डे वैलेंटाइन डे. मैं तो रोज़ मोहब्बत करता हूँ, रोज़ मोहब्बत करता हूँ. अब जैसे हम कहें कि कोई म्यूज़िक डे होता है साल में एक, अरे हम तो रोज़ गाना गाते हैं यार, तो हमारा तो म्यूज़िक डे रोज़ होता है. कोई कहता है जी ये माता पिता के लिए डे है, अरे माता पिता का डे तो रोज़ होता है. रोज़ उनकी सेवा नहीं करते हैं, एक ही दिन करते हैं क्या साल में? इसलिए हमेशा फादर्स डे, मदर्स डे, ये रोज़ है. ऐसी वैलेंटाइन डे भी रोज़ है. हमारे अंदर इतनी मोहब्बत है कि हम रोज़ मोहब्बत करते हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसे होइए, अपनी मोहब्बत को रोज़ इजहार करिए, और जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको इतनी खुशियाँ दीजिए कि आपको भी फिर बदले में उससे भी ज़्यादा खुशियाँ वो दे. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ गुनगुनाना चाहूँगी. ये मुझे क्या हुआ, क्या हुआ तू बता, ये मुझे क्या हुआ, क्या हुआ तू बता, मुझ पे छाई है खुमारी, क्यों लगे मैं हूँ तुम्हारी, ये मुझे क्या हुआ, क्या हुआ तू बता. मैं चाहूँगी आप सब लोग थोड़े थोड़े वीडियो भी दिखाएं, बिकॉज वो बहुत इम्पोर्टेंट है. शोखियों में घोला जाए फूलों का शबा, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, हो गए नशा जो सैया को प्यारे, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबा. एक बार फिर गा लेता हूँ. इधर शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब. थैंक यू, थैंक यू सर. एक एक रिक्वेस्ट मेरी भी. हाँ बताएं. राधा हो गई मगन, मैं एक बार आपके मुंह से सर लाइव सुनना चाहता हूँ. ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन,
वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। शुक्रिया शुक्रिया। टूटा हूँ बिखरा नहीं, जख्म ये गहरा सही, दायम तेरे इश्क में हाँ अब रहना नहीं, ऐसे कुछ मुखड़ा है इसका। और आगे अंतरा भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कोई गिटार होता या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता तो मैं शायद और आप लोगों को कुछ और झलकियां देता। तू इश्क नहीं मेरा, तू ख्वाब था दिल का, जो बिखर गया देखो टूट कर, वो खुदा भी अब मेरा हाँ खुदा नहीं, जिसको मेरे इश्क की हाँ परवाह नहीं, हर मोड़ जख्म गहरे हुए तुझको पाने की चाह में, सांसे भी जीना छोड़ दे ये किस बात का हिसाब था, टूटा हूँ बिखरा नहीं, ऐसा कुछ है गाना। गोवा में हम लोगों ने शूट किया है कुछ 4 दिन और बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली सही बताऊं तो। इसमें पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ दिखाई हम लोगों ने, सॉन्ग लोग आप लोग अगर वीडियो देख पा रहे होंगे तो उसमें दिखाया हमने कि कैसे एक बंदा आर्यन और माही की लव स्टोरी दिखाई है हमने, जो दो लोग मैडली इन लव हैं और उसके बाद किसी रीज़न से वो अब नहीं है साथ में, तो उसके बाद द गाई इन द सॉन्ग एक्चुअली ही वॉन्टेड टू लाइक किल हिमसेल्फ, पर उसके बाद उसे लगता है कि जब वही मूव ऑन हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि पेन का एक लिमिट होता है, एक वो पॉइंट जब कोई भी इंसान जब उसकी बॉडी को उसके सोल को और उसके माइंड को पेन होना बंद हो जाए उसके बाद एक डिसीजन होता है, तो उसके बाद इस सॉन्ग में ये है कि वो लास्ट सी ऑफ कर रहा है, एक फ़ाइनल गुड बाय कह रहा है अपनी माशूक से या महबूबा से जो उसके साथ नहीं है। सो यही है सॉन्ग। थैंक यू। In Red Ribbon we always do new content depending on which festival is coming, किसी की birthday आ रही हो, किसी special day हो, so for Valentine's always music and love, you know, it go hand in hand, so Valentine's special के लिए हमने सोचा कि let's have something like very vibrant, like Aryan has it's his first debut, so from Aryan बता रहा है कि जो heart break होता है उसका जो गाने का नाम है कि टूटा हूँ बिखरा नहीं, सो इट्स लाइक यंगस्टर्स का एक स्टोरी है। एट द सेम टाइम अनुराधा पौडवाल जी हैं कि उनके एवरग्रीन एक मेलोडी गा रहे हैं, उन्होंने पिंक पहना है, शी इज सिटिंग, शी इज को एक्टिंग, एंड जो मेरा सिंगल है ये मुझे क्या हुआ इज बिन शॉट इन ऋषिकेश एंड मसूरी, बहुत सुंदर सीनिक जगह है, कांट बी अ बेटर प्लेस टू शूट अ रोमांटिक सॉन्ग देन मसूरी, और वहाँ देखेंगे कि हम शूट कर रहे थे तो पीकॉक भी आ गया एंड ओके आई वांट टू बी अ पार्ट काइंड ऑफ, इतना सुंदर वहाँ के लोग और नेचर है, और मेरा जो को एक्टर है ही इज़ बिन मिस्टर हरिद्वार कपिल गज्जर एंड ही इज़ बिन द मिस्टर इंडिया ऑफ रूबरू, तो बहुत सुंदर हमेबल फ्रेश रोमांटिक मेलोडी ड्यूएट है, और पूजा कपूर ने कंपोज किया है, काशी जी ने लिखा है, तो मुझे बहुत खुशी है कि रेड रिबन से आज ये 3 बहुत सुंदर म्यूज़िक वीडियोस रिलीज हो रहे हैं। अनूप जी केम एंड ब्लेस्ड द ओकेशन, यस, अनूप जी इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली, इज़ पार्ट ऑफ रेड रिबन, और अनूप जी जैसे लेजेंड ने आज यहाँ पे आके बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दे के एनकरेज करके हम सबको बहुत बहुत खुशियाँ दी है, बधाई दी है, और अनूप जी के आने से हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक
तीनों जैसे म्यूजिक में तीन ऑक्टेव होते हैं, आई थिंक हमने यहाँ पे ऐसे किसी का डेब्यू है, अनुराधा जी है, मैं हूँ, तो एक अलग अलग जॉनर, अलग अलग मूड, अलग अलग एज ग्रुप के सब गाने आज रिलीज़ किए हैं। तो बहुत खुशी है कि सूरज आज यहाँ है, अनूप जी जैसे लेजेंड ने आज बहुत लॉन्च किया है, सो आई एम वेरी हैप्पी। My plans, like I always feel every day is Valentine's, but of course it's special, the romance is in there, but I always feel that, you know, I live with my pets, my mother is around, so I love everything what I do in my life, whether it could be work, my team, when I go home it's my pets, so animals, plants, you know, whatever I do, I just do with lot of love, passion, dedication, and that's what I feel, that if anybody does anything with so much love, positivity and dedication, you know, ultimate thing is you'll be happy, you'll be a happier person. So I just feel one should spread love and be in love. Yes, and we just like you to sing your song. अभी गाया ना मैंने, दूसरा गाऊँ ना कुछ? नहीं, यही गाऊँ। ये मुझे क्या हुआ, क्या हुआ तू बता, ये मुझे क्या हुआ, क्या हुआ तू बता, मुझ पे छाई है तुम्हारी, क्यों लगे मैं हूँ तुम्हारी, ये मुझे क्या हुआ, क्या हुआ तू बता। थैंक यू, थैंक यू।